अनोखी और हैरान कर देने वाली खबरों की शुरुआत करते हैं यूपी के आजमगढ़ से, जहां प्रमोशन पाकर हेड कांस्टेबल से दारोगा बने पुलिस वाले की फजीहत देखने को मिली। दरअसल दारोगा बने शिव पूजन चौबे ने प्रमोशन के बाद थाने से दूसरी जगह जाने के लिए एक बस को रुकवाया और अपना सामान भरने लगे। इस दौरान इनका कंडक्टर से विवाद हो गया, हाथापाई भी हुई। तब उसी बस में इलाहाबाद एग्जाम देने जा रहे छात्र मौजूद थे, जो दारोगा पर टूट पड़े। छात्र नए दारोगा को सड़क पर दौड़ाने लगे और वीडियो बनाने लगे। नए दारोगा पर रौब दिखाने का आरोप लगाया गया। साथ ही आरोप लगाया गया कि वो जिस बाइक से जाने की प्लानिंग में थे, उस पर नंबर प्लेट ही नहीं था। सड़क पर काफी देर तक ये गहमा गहमी चलती रही। कंडक्टर और छात्रों से उलझना दारोगा पर भारी पड़ गया। हालांकि छात्रों को भी इस तरह से बदसलूकी नहीं करनी चाहिए थी। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दूसरी हैरान कर देने वाली खबर हरिद्वार से है, जहां ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव सुपर बाइक पर सवार होकर हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ पहुंचे, तो योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण उनको पहचान ही नहीं पाए। जब सामने आकर वो अपनी बाइकिंग ड्रेस को उतारने लगे, तब सबको पता चला कि ये सदगुरु जग्गी वासुदेव हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि वो पहचान में ही नहीं आ रहे। फिर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने उनको चरण स्पर्श कर प्रणाम किया और फूल देकर स्वागत किया। सदगुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से भेंट करने पतंजलि योगपीठ पहुंचे थे। पतंजलि विश्वविद्यालय के सभागार में हुए कार्यक्रम में उनका सम्मान भी किया गया। सभागार में हुए कार्यक्रम में स्वामी रामदेव ने शॉल देकर सदगुरु का स्वागत किया। तीसरी अनोखी खबर मेरठ से है, जहां पुराने घर के पास खुदाई के दौरान 2000 साल पुराना एक चबूतरा मिला है। ईंटों का बना ये चबूतरा अनोखा लग रहा है। बताया जा रहा है कि ये मौर्य काल के आसपास का है। बचे हुए चबूतरे की लंबाई 29 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर के आसपास है। इसमें जो ईंट लगी है वो 42 सेंटीमीटर लंबी, 26 सेंटीमीटर चौड़ी और 8 सेंटीमीटर मोटी है, जो कि मौर्य काल में सम्राट अशोक के कार्यकाल की है। सम्राट अशोक का राज्यकाल ईसा पूर्व 269 से 232 ईसा पूर्व रहा है। दरअसल मेरठ के हलचल भरे शहर के बीच सालों से इस अवशेष पर किसी का ध्यान नहीं गया। हालांकि पहली नजर में इसमें कुछ खास नहीं था। इसके आसपास निर्माण होने से इसका एक बड़ा हिस्सा अब नहीं दिखता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI इसकी जाँच कर रहा है। जाँच के बाद इसमें दफन और कई राज बाहर आएंगे। न्यूज़ तक ब्यूरो।